देश भर में कोरोना की चौथी लहर को लेकर के अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है, ऐसे में बिहार के अंदर भी खास सतर्कता बढ़ती जा रही। बता दें कि चौथी लहर की आशंका के बीच रविवार को पटना में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। राजधानी पटना में रविवार को कुल 8 मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। चौथी लहर की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मरीज रविवार को ही मिले हैं। इससे पहले 5 मई को पटना में 7 संक्रमित पाए गए थे। बता दें कि राजधानी पटना जिले में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बताता है कि दिल्ली से आए 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले के ज्यादातर संक्रमित शहरी इलाके के हैं। हालांकि कोई भी संक्रमित पटना के बड़े अस्पताल में भर्ती नहीं है। पटना में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर डॉक्टरों ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। लोगों से अपील की है कि वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। अगर अब तक वैक्सीन नहीं ली तो बिना देरी किए वैक्सीन ले लें। साथ ही पटना के अलावे रविवार को दरभंगा और पूर्णिया जिले में भी एक एक मरीज की पहचान हुई। रविवार को बिहार में कुल 10 नए मरीज सामने आए हैं। पटना के जिन इलाकों में एक्टिव केस पाए गए हैं उनमें बोरिंग रोड, AG कॉलोनी, राजीव नगर रोड नंबर 10, द्वारिकापुरी रोड नंबर 1, आर्य कुमार रोड बांकीपुर, अली नगर, अनीसाबाद, संपतचक, IGIMS न्यू जगनपुरा, बेगमपुर, परपोखरा, राजेंद्र नगर रोड संख्या 1, स्टेशन रोड, शर्मा आजाद लेन, चौधरी टोला, कंकड़बाग, होटल जगदम्बा पैलेस, शिवपुरी, पटना एम्स हॉस्टल, IS कॉलोनी, दानापुर, पाटलिपुत्र और दानापुर खगौल का इलाका शामिल है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।